जज साहबान सारा दिन पूछते रहे सबसे कि बता दें कि हमारी जजमेंट में वो कहाँ लिखा हुआ है ये चीज कि ये फैसला जो है वो आईन के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी नहीं करेगी, ये पार्लिमान पार्टी का सरबरा करेगा, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। ये फसादी मरियम सफदर जिन्होंने ना कोई सिक्योरिटी का दायरा छोड़ा, ना अदलिया छोड़ी, ना नैब को छोड़ा, कोई ऐसा दायरा इन्होंने नहीं छोड़ा जिससे इनको ये लगा कि ये इनसे इनकी सियाकारियां कानून की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ सवाल पूछ सकता है, उसके खिलाफ इन्होंने हमेशा महाजराई खड़ी की है। ये फुल कोर्ट की रट लगाने वाले और यहाँ इस रोस्ट्रम पे खड़े होकर भी धमकियां देने वालों को मायूसी भी होगी, इनको नाकामी भी होगी। अदलिया पर गुस्से की बजाय अपने फैसलों पर नजरसानी करें। जब आपने इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली तो हमजा को मुस्ताफी होना चाहिए था। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी का मरियम नवाज को जवाब, कहा जमहूरियत में आवाम का फैसला हतमी है। इस वक्त आप और पीडीएम का रवैया दूध पीते बच्चों वाला है, जिनके मुंह से चूसनी निकाल दें तो वो चीखो पुकार मचाते हैं। अदालत में नून लीग के वकला की परफॉर्मेंस अल्लाह रखा पेप्सी वाली थी। असद उमर बोले उनका कोई वकील डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं कर सकता। हमजा शहबाज वज़ीरे आला का अहल ही नहीं था। फारूक अबीब ने कहा फसादी मरियम ने कोई इदारा नहीं छोड़ा जिस पर तनकीद ना की हो। शहबाज गिल ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने बदमाशी और धमकियों को मुस्तरद कर दिया।